कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े, जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े, जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े, जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े, जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। अवध छोड़ प्रभु बन को धाए, सिया राम लखन गंगा तट आए, केवट मन ही मन हर्षाए, घर बैठे प्रभु दर्शन पाए। हाथ जोड़ कर प्रभु के आगे केवट मगन खड़े, जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े, जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से कहां पड़े, जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े, जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। पंक्तियों में अहिल्या उद्धार का संकेत है। एक बार भगवान राम के चरण एक पत्थर को लग गए और पत्थर ने नारी का रूप ले लिया, अहिल्या बन गई, अहिल्या उद्धार हो गया, श्राप से मुक्ति मिल गई। भोला भाला केवट, उसने बात सुनी हुई थी तो उसके मन में एक शंका बैठ गई कि अगर भगवान राम के चरण मेरी नाव को लग गए तो कुछ गड़बड़ हो जाएगा। तो देखिए उसने अपने भोलेपन में भगवान से क्या कहा। प्रभु बोले तुम नाव चलाओ, अरे पार हमें केवट पहुंचाओ। केवट बोला सुनो हमारी, चरण धूल की माया भारी। मैं गरीब नैया मेरी नारी न होए पड़े, जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े, जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से कहां पड़े, जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े, जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़े। अंतिम पंक्तियां हैं और जो संदेश इस भजन में छुपा हुआ है इन्हीं पंक्तियों में आ जाता है। आपका विशेष ध्यान चाहूंगा। चली नाव गंगा की धारा, हैया हो धारा, सिया राम लखन को पार उतारा। प्रभु देने लगे नाव उतराई, केवट कहे नहीं रघुराई। प्रभु देने लगे नाव उतराई, केवट कहे नहीं रघुराई। केवट ने पार उतार दिया,
भगवान राम सोचने लगे कि वट का तो यही काम है, इसको कुछ मजदूरी मिलनी चाहिए, लेकिन देते क्या कुछ था ही नहीं, वनवासी राम सब छोड़कर आए थे। इशारा किया सीता जी को, तो सीता जी ने एक अंगूठी केवट को देनी चाहिए, केवट ने मना कर दिया। केवट बोला, प्रभु मैं तो जन्म जन्म का भक्त हूं आपका, कुछ नहीं लूंगा। भगवान राम बोले, केवट लो, ले लो ले लो, ये मजदूरी है, मजदूरी लेने में शर्म नहीं करते। केवट बोला, प्रभु ये शर्म की बात नहीं है, नियम है, आपसे नहीं ले सकता। तो भगवान राम ने पूछा, ये नियम क्या है? केवट बोला, प्रभु एक ही काम करने वाले दो आदमी आपस में लेन देन नहीं करते। अब भगवान राम सोचने लगे, मेरा और केवट का काम एक कैसे हो गया? पूछा, केवट जरा साफ साफ बताओ। केवट बोला, एक ही काम है। कहने लगा, नाई से ना नाई ले, धोबी से ना धोबी ले, दे के मजूरिया ये जाति को न बिगाड़िए, प्रभु आए मोरे घाट तो पार मैंने उतार दीने, जब आऊंगा मैं तोरे घाट तो पार मोगी उतारियो, चली नाव गंगा की धारा, सिया राम लखन को पार पारा, प्रभु देने लगे नाग उतराई, केवट कहे नहीं रघुराई, पार किया मैंने तुमको, पार किया मैंने तुमको, अब तुम है पार करे, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े।